के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगी। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए है जो बिहार सरकार पर, तेजस्वी की सरकार पर है जो हमला किया है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आती है या फिर तेजस्वी की सरकार आती है, उन्होंने नाम लेते हुए कहा है कि इनकी सरकार आती है तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगी। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग उसमें आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, करेंगे ना। मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं इस क्षण में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी देर हो गई है, बहुत से मुद्दे में बोलना चाहता था लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर आऊंगा और आपके साथ और विस्तृत से बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिहार को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इनकी तकलीफों को भी जानता हूं और बिहार के दमखम को भी जानता हूं। बिहार अगर कुछ फैसला कर लेता है तो उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाता है। और मैं चाहता हूं कि आप अब फैसला कर लीजिए, समय आ गया है। ये जितने रली मिली लोग है ना, रले मिले लोग, पता नहीं चलता कि कब मसर में दाल आ, चना आ गया और चना में मसर आ गया। इससे जरा सा छुट्टी पाइए और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को सरकार को आगे बढ़ाने का काम। तो आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने है जो बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर ये हमला करते हुए उन्होंने सामने से कहा है कि इनकी सरकार अगर आ गई बिहार में तो यहाँ पे है जो जंगल राज आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है, यहाँ पे है जो कितने सारे क्राइम हुए हैं, कितना एक्सटॉर्शन हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है बिहार की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है, यहाँ का जो व्यवस्था है वो पूरा ठप पड़ चुका है, केंद्र सरकार की मदद के बाद भी बिहार का व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं सुधरा है। अब वक्त आ चुका है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, बिहार में है जो बीजेपी की सरकार है। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।